शासन के निर्देश पर लगाया गया कोरोना आंशिक कर्फ्यू का आंशिक असर गुरुवार को भी देखने को मिला। कर्फ्यू और बारिश की वजह से महानगर के विभिन्न चौराहों एवं सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। इसके बावजूद कहीं कहीं सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी रहा। इस दौरान छात्र संघ चौराहा, पैटलेगंज चौराहा, अंबेडकर चौक क्षेत्र में आंशिक कर्फ्यू का असर देखने को मिला। वहीं चेतना तिराहे पर वाहनों का चेकिंग भी किया गया। इस संबंध में SPCT सोनम कुमार ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर 41 जगहों पर बैरियर लगाया गया है। महानगर के सभी CO को चेकिंग के लिए सड़क पर उतारा गया है और SPCT ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्धारित दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, देखिए लॉकडाउन को लेकर के जो व्यवस्था है पहले की वो चल रही है, जो 41 बैरियर हैं उसके अतिरिक्त हमने ट्रैफिक डाइवर्जन करने के लिए भी 9 अतिरिक्त बैरियर लगाए हैं। जितने भी CEOs हैं अतिरिक्त उनको भी सड़क पर उतारा गया है, जैसे CEO ऑफिस हो गए, CEO ट्रैफिक हो गए, CEO क्राइम, तो हर जो गजेटेड ऑफिसर है वो सड़क पर ही दिखेगा आपको। दूसरा, हमने जनता से ये अपील की है कि सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक ही अपनी दुकानें खोल के रखें, जैसे किराने की दुकान हो गई है, सब्जी फल वगैरह की दुकान हो गई, बाकी समय पे अपने दुकान बंद करें, क्योंकि अगर आप उसको खुले रखते हैं तो उससे बहुत भीड़ बढ़ रही है और संक्रमण फैलता है। तो ये अपील हम जनता से कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि जनता इसका पालन करेगी। वाहनों का चलान हो रहा है, वाहनों का सीजर भी किया जा रहा है, अभियान चल रहा है और सुबह 10 से 1 तक का अभियान अभी चल रहा है और सारी CEO सारे SHO इसके अनुपालन में लगे हुए हैं।